नमस्कार मित्रों, रीट 2020 को लेकर आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसमें जो पोस्ट है वो 31,000 पोस्ट की सरकार ने रीट भर्ती का ऐलान किया है। इसकी एग्ज़ाम डेट जो दी है वो 2 अगस्त दी है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें क्या पैटर्न होगा, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, तो उसको लेकर आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो जो रीट लेवल 1 है, इसमें जिसने BSTC कर रखी है, BSTC जिसने कर रखी है वो रीट लेवल 1 एग्ज़ाम दे सकता है, और जिसने BEd कर रखी है वो रीट लेवल 2 एग्ज़ाम दे सकता है। 31,000 जो पोस्ट है वो दोनों में अभी डिवाइड होगी। लेवल 1 में कितनी आती है, लेवल 2 में कितनी आती है, ये अभी देखना बाकी है। दूसरी बात करते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस में दोनों का सिलेबस अलग अलग है। इसमें देखो, 30 नंबर की तो आती है बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान, 30 नंबर का इसमें आती है मैथ, 30 नंबर की इसमें आती है पर्यावरण अध्ययन, और 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड। जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई एक लेवल 1 लैंग्वेज फर्स्ट, और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इनमें से लैंग्वेज 2, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है। ये 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड। ऐसे ये 100-150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, और एक क्वेश्चन एक अंक का होता है, 150 का ये एग्ज़ाम होता है। टाइम जो इसमें होता है वो 2.5 घंटे का होता है। ऐसे लेवल 2 की बात करते हैं, तो इसमें 30 नंबर की तो वही बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान आता है। 11 से लेके 14 वर्ष तक को जो बालक होते हैं उनका शिक्षा मनोविज्ञान और उनका बाल विकास। दूसरी जो इसमें आता है 30 नंबर का, इसमें आता है लैंग्वेज, आ जाएगी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, कोई भी जैसे हिंदी इंग्लिश इसमें लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। अगर जो SST से एग्ज़ाम देता है सामाजिक विज्ञान से, जिसने ग्रेजुएशन में जिसके SST है उसके 60 नंबर की SST आती है, और जिसके साइंस या मैथ है उसके 30 नंबर के मैथ के आते हैं और 30 नंबर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसमें लेवल 2 के पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, इसकी बात करते हैं अपन। तो देखो, इसमें 60% जो लाता है वो रीट लेवल 1 में क्वालिफाई माना जाता है। इसमें भी जो 60% नंबर लाता है वो क्वालिफाई माना जाता है। जो ये एग्ज़ाम लेवल 1 है, इसका जो टीचर बनता है वो पहली से लेके 5वीं कक्षा तक बनता है, और इसमें जो बनता है वो 6 से लेके 8th क्लास तक बनता है। अब देखो, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीएड वाले भी लेवल 1 में एग्ज़ाम इस बार दे सकते हैं या नहीं। तो इस बारे में अभी सरकार की कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। हाँ, सेंटर में जरूर भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन आया था कि अब बीएड वाले भी लेवल 1 या जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अभी राजस्थान सरकार का ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर में बिल्कुल ये अलाउ है, लेकिन राजस्थान में अभी कुछ नहीं है, तो अपने को इसी को लेकर अभी एग्ज़ाम को फॉलो करना है। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। 31,000 पोस्ट है, 2 अगस्त को एग्ज़ाम की डेट घोषित कर रखी है। तो जो जो बंदा अभी से जो तैयारी करना चालू करेगा उसका इसमें सिलेक्शन होगा, और जो ये देखेगा कि अभी 2 अगस्त को एग्ज़ाम है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको अभी से ये तैयारी चालू करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको रीट लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी सिलेबस है वो पूरा मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगा। मैं इस बात की आपसे गारंटी लेता हूँ। आप जो पैसे देके कोचिंग में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, वहाँ पे जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही पास कर रखी है, तो मेरे को अच्छे से पता है कि इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी सिलेबस है वो मैं सारा इसमें कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को पहले तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो गरीब है, जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकता और जो पढ़ना चाहता है, घर बैठ के पढ़ना चाहता है,
मुफ्त में पूरी चीज पढ़ाई जाएगी आपको लेवल वन और लेवल टू दोनों के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस पर आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा, जैसे कभी पेडागोजी पे, कभी मैथ पे, कभी लेवल टू के लिए पेडागोजी, SST, इन सब के लिए आपको एक वीडियो डेली मिलेगा। तो आप उस वीडियो को डेली देखें, पढ़ें और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी इसका सिलेबस होगा, अगर आप कोचिंग भी करना चाहते हो ना तो कोचिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग भी कर लो और इस चैनल को भी देखना आप, और फिर आप दोनों में कंपेयर करके देख लेना। जो एग्ज़ाम से जो फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो सारा मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड पूरा बताऊंगा। एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही आपको बताऊंगा, तो आपका समय भी कम लगेगा और अगर आप दोनों चीज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा आपको। तो देखो 2 अगस्त को एग्ज़ाम डेट दे रखी है, अब संभावना ये है कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पर होगी। 31,000 पोस्ट है, इससे ज़्यादा बड़ी वैकेंसी शायद कभी आई नहीं राजस्थान में, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो ये जो लेवल वन में जो अभी अपीयर हैं, जो BSTC कर रहे हैं, जिनका फाइनल ईयर है, वो बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम में बैठ सकता है। जो BEd कर रखा है, अपीयर है, वो भी एग्ज़ाम दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप को एलिजिबल हो तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको अभी से चालू कर देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी सिलेबस इसका बना नहीं है, लेकिन जो पिछला जो सिलेबस है वो कुछ ऐसा ही है, इसमें राजस्थान जो GK है उसको थोड़ा बढ़ाने की बात चल रही है कि राजस्थान के जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा फायदा हो, उनको बाहर से जो आने वाले बच्चे हैं उनको कम किया जा सके, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि राजस्थान GK बढ़ाया जाए। तो देखो राजस्थान GK हो चाहे कुछ भी हो, मैं ये दोनों आपको दोनों पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, इसकी आपको टेंशन लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हर वीडियो डेली एक वीडियो आएगा उसको डेली देखें आप, और जो भी इससे आगे जानकारी होगी वो आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस व्यक्ति तक पहुँचाएं जो कोचिंग की फीस देकर नहीं पढ़ सकता, वो फ्री में यहाँ आराम से पढ़ सकता है, उसको अदर कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल से आपको एक वीडियो डेली मिलता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद।